जेएमएम नेता हेमंत सोरेन को जमानत मिलने पर जेएम सांसद महुआ मांझी ने कहा कि हेमंत सोरेन झारखंड में बहुत लोकप्रिय नेता हैं। लोकसभा चुनाव में उनकी अनुपस्थिति के बावजूद जनता ने हमारा समर्थन किया है। जेल से उनकी रिहाई के बाद काफी उत्साह भी है। लोकप्रिय नेता हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करके वोट बटोरने की भाजपा की साजिश भी विफल हो गई है। देखिए, पिछले चुनाव को याद कीजिए, 2014 के बाद जब डबल इंजन की सरकार थी, झारखंड में बीजेपी की सरकार थी, उस समय अकेले माननीय हेमंत सोरेन जी ने किस तरह से बदलाव यात्रा, संघर्ष यात्रा किया, किस तरह से जन सैलाब उमड़ा और किस तरह से उन्होंने यहाँ सरकार बनाई, विपरीत हवा थी उसके बावजूद, और उनका एक अलग ही पूरे झारखंड में जिस तरह से लोग उनको एक बहुत ही लोकप्रिय नेता के रूप में मानते हैं, स्वीकार करते हैं, वो इस बार भी देखने को मिलेगा। और हालांकि लोकसभा चुनाव में उनकी अनुपस्थिति ने इससे भी जो जनता है उन्होंने उनको उतना ही प्यार दिया, उन्होंने उनको उतना ही स्वीकार किया, और जो जन सैलाब उनकी रैलियों में, महारैली, उलगुलान महारैली जो हुई थी या न्याय यात्राओं में आपने देखा होगा कि उन लोगों ने उनको भूला नहीं और बल्कि और बाहर निकल के और ज़्यादा समर्थन दिया है। तो उनके बाहर रहने से आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा जोश और उत्साह रहेगा। जो भाजपा ने जो चाल चली थी ये सोचकर कि उनके यहाँ के लोकप्रिय नेता को उनसे दूर करके, जनता से दूर करके उनको ज़्यादा वोट मिलेगा, लेकिन आपने देखा क्या हर्ष हुआ, 400 पार का नारा लगाने वाली भाजपा मात्र कुछ सीटों में सिमट गई। तो ये यहाँ की जनता जानती है कि कौन उनके लिए काम कर रहा है, कौन सिर्फ धर्म के नाम पर लोगों को लड़ा रहा है। आपने देखा कि अयोध्या में जो कुछ भी हुआ, इससे अब सबक लेनी चाहिए कि धर्म के नाम पर अब राजनीति नहीं हो सकती, ये गुमराह करने वाली राजनीति। अब विकास की बात कीजिए, क्योंकि हेमंत सोरेन जी ने अपने कार्यकाल माने उनका जो टेन्योर था उसमें आपने देखा कि किस तरह से जनता के सवालों को देखा, किस तरह से तरह तरह की योजनाएँ लॉन्च की, पलाश प्राण, फिर ये फूलो झानो आशीर्वाद योजना, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, गुरुजी क्रेडिट कार्ड और तमाम तरह की योजनाएं यहाँ के लोगों के लिए, सरकार आपके द्वार कार्यक्रम, और इन तमाम चीज़ों से लोगों का जो दिल जीता, उससे मुझे लगता है कि अब उनके आने से उसका बहुत फ़र्क पड़ेगा।